माद्री टीम को श्रीलंका का दौरा करना है, जहां उन्हें 3 T20 और 3 ODI मुकाबले खेलने हैं। एक ओर T20 कप्तान को लेकर माथापच्ची चल रही है, जिसके बाद गौतम गंभीर की एक रिक्वेस्ट गई रोहित शर्मा के पास कि भाई अगर आप अवेलेबल हो सकते हो श्रीलंका दौरे से तो आप हमको ये बात बता दो। एक्चुअली में T20 कप्तान बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, टीम इंडिया को एक नए कप्तान की तलाश है, क्योंकि रोहित ने रिटायरमेंट ले लिया है T20 से। अब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या पर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में एक वनडे में एक नया कप्तान लाना, वहां पर भी माथापच्ची करना कि केएल राहुल को बनाए, अय्यर को बनाए, या फिर सूर्य कुमार यादव को ही वनडे का कप्तान क्यों ना बनाया जाए, इससे बचने के लिए एक बहुत बड़ी तरकीब निकाली कोच गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर का कहना है रोहित शर्मा से कि आप अगर खुद को अवेलेबल करा सकते हो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो कुछ मुकाबले टीम इंडिया को खेलने हैं, तो फिर टीम के लिए बेहतर होगा। दरअसल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और पाकिस्तान इसका आयोजक है, और इसके साथ साथ टीम इंडिया मोस्टली हाइब्रिड मोड पर ही ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम मात्र 6 ODI मुकाबले खेल रही है। ऐसे में कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ये 6 के 6 मुकाबले खेलें, ताकि टीम इंडिया की पकड़ और कहां पर कमजोरी है, कहां पर मजबूती है, उसका अंदाजा लगाया जा सके। फिलहाल विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, उन्होंने ब्रेक मांगा है, पर कप्तान रोहित शर्मा क्योंकि टीम के कप्तान है, फिलहाल वो छुट्टियों पर हैं, लेकिन उनको वापस बुलाया है गौतम गंभीर ने, और गौतम गंभीर की सारी शर्तों को रोहित शर्मा मान गए हैं, चाहे वो वापस आने का हो, टीम में कप्तानी संभालने का हो, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या प्लान बनाना है, कौन कौन उस टीम का हिस्सा होगा, कैसे टीम चलेगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच बातचीत हुई, और सभी चीज़ों पर रोहित ने एग्री कर लिया है। बतौर कप्तान ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास सिर्फ 6 ODI हों और उसके पास सीधे चैंपियंस ट्रॉफी, इतनी बड़ी प्रतियोगिता जो 2013 के बाद भारत जीता नहीं है, 17 के फाइनल में जरूर पहुंचा था लेकिन हार गया था पाकिस्तान के सामने, तो यहां पर एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि एशिया में ये प्रतियोगिता होगी तो जीतने के चांसेस ज्यादा है टीम इंडिया के, इसीलिए कोच गौतम गंभीर 6 के 6 मुकाबले रोहित शर्मा को खिलाना चाहते हैं और छुट्टियों से वापस बुलाया जा रहा है और रोहित भी इस पे राजी हो गए हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए उसके बाद हो सकता है कि रोहित को आराम दिया जाए। अब T20 के कप्तान को लेकर क्या फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी, और वनडे में उप कप्तान कौन होगा टीम का, क्या वो हार्दिक ही रहेंगे या फिर उसमें भी बदलाव होगा, के राहुल बनेंगे, कौन होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो रोहित शर्मा की वनडे सीरीज से वापसी हो जाएगी श्रीलंका दौरे से, जो कि 7 अगस्त तक चलेगी। 27 जुलाई से प्रतियोगिता शुरू होगी, 7 अगस्त तक चलेगी। 3 के 3 वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपनी अवेलेबिलिटी को जाहिर कर दिया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, तब तक के लिए देखते रहें वनडे हिंदी।